इस साल भोजपुरी की सबसे बड़ी हिट फिल्म गदर अब मुंबई में 22 जुलाई को रिलीज हो रही है। यह फिल्म पहले ही बिहार में अपनी सफलता से गदर मचा रही है। अभी भी यह फिल्म तमाम सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है। इस फिल्म को निर्माण किया है निर्माता भूपेंद्र विजय सिंह, बबलू गुप्ता और रवि सिंह ने। फिल्म की कहानी और निर्देशन रमाकांत प्रसाद ने किया है। फिल्म के बारे में रमाकांत प्रसाद ने लिखा है कि जब फिल्म का हीरो पाकिस्तान जाकर खलनायक को पीटता है तो सिनेमाघरों में मौजूद दर्शक तालियां बजाकर इसका मजा लेते हैं। यही नहीं, फिल्म में जिस तरह से हिट गानों की भरमार है उसके ऊपर भी दर्शक खूब सीटियां बजाते हुए नजर आए। गदर के लिए बीरू ठाकुर के लिखे संवाद को भी लोग सिनेमाघरों से बाहर निकलते समय दोहराते हुए नजर आए। वैसे अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के अलावा नेहा सिंह, निधि झा, राजेश सिंह, प्रिया शर्मा, राजू सिंह, माही और सीमा सिंह जैसे कलाकार भी मौजूद हैं। राजपूत फिल्म फैक्ट्री और इंदिरा फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की कहानी भी खुद रमाकांत प्रसाद ने ही लिखी है। फिल्म में गीतों को प्यारे लाल यादव, राजेश झा और विनोद व्यास ने लिखा है। इस भोजपुरी फिल्म का संगीत दिया है ओम झा ने। वहीं जबरदस्त एक्शन वाली इस फिल्म के एक्शन सीन स्टंट निर्देशक हीरा यादव के डायरेक्शन में फिल्माए गए हैं। इस फिल्म में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी एक्टिंग और एक्शन से लोगों का दिल जीत लिया है। बहरहाल माना जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में गदर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है ठीक उसी तरह से मुंबई में भी यह फिल्म गदर मचाएगी। न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।